हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉकेट वन ए के बारे में जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी और उन सारी कमेंटों में सब कुछ फिल्टर करके मैंने जिसकी ज़्यादा कमेंट थी उसी टॉपिक पे ये वीडियो अपलोड करने की कोशिश करी है तो ये सबसे ज़्यादा जो कमेंट आई थी मेरे पास वो वन ए के लिए आई थी तो इसी वजह से मैंने आप को बताया भी था कि जिस वीडियो की ज़्यादा कमेंट होती है मैं उसी पॉकेट के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ तो आज का जो वीडियो सेलेक्ट हुआ है वो पॉकेट वन ए का है तो आज हम इसमें जानेंगे यार कि कितना यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ और कितना यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के द्वारा करा दिया गया है प्लॉट की डीमार्केशन हुई या नहीं हुई है नहीं सीवरेज जितना भी यहाँ पर का काम यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का जो यहाँ पर होना था तो वो हुआ या नहीं हुआ है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए और वहीं अगर मैं बात करूं यहां के डेवलपमेंट के बारे में तो आप देख सकते हैं यहां पे सामने पार्क का कंस्ट्रक्शन का, का काम जो कि यहां पे कराया जा रहा है यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के द्वारा ही तो आप देख सकते हैं यहां पे डेवलपमेंट अच्छी खासी स्पीड में यहां पे चल रहा है कुछ जगह का डेवलपमेंट वो कुछ रुका हुआ है वो इस वजह से क्योंकि किसानों का यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है तो इसी वजह से कुछ एरिया में यहाँ पर डेवलपमेंट जो वो रोक दिया गया इसी वजह से तो वहीं अगर हम बात करूँ अथॉरिटी के डेवलपमेंट की है, तो यहां पे प्लॉट की डीमारकेशन हो चुकी है सीवरेज लाइन वाटर हार्वेस्टिंग ये सारे टैंक यहां पे काम करा दिए गए हैं और ग्रीन बेल्ट का टोटल यहां पे काम हो चुका है अभी वन ए के अंदर एंड वन बी के अंदर दोनों ही पॉकेट के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी पोल ये सारे काम अभी कराए जाने हैं अथॉरिटी के द्वारा तो अब वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंटली ही यहाँ पे रोड बनाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसानों का डिस्प्यूट था वो भी धीरे धीरे सॉल्व होता जा रहा है तो उसी को नज़र में रखते हुए यमुना अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे जो काम की और कंस्ट्रक्शन की जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और अच्छी खासी स्पीड में यहाँ पे काम चल रहा है तो यहाँ पे सारे पार्क वगैरह जितने भी थे वो सारे सब, वो कुछ मेंटेन कर दिए गए हैं और बाकी प्लॉट की डिमारकेशन वगैरह ये सारे डेवलपमेंट यहाँ पे करा दिया गया अथॉरिटी के द्वारा वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ के रेट के बारे में तो यहाँ के रेट के अगर मैं बात करूँ तो रजिस्टर्ड प्लॉट का एक करोड़ प्लस तक का भी यहाँ पर रेट आपको देखने को मिलने वाला है और अनरजिस्टर्ड की अगर मैं बात करूँ तो मात्र दस से आठ से दस लाख रुपए का डिफरेंस है वो एट्टी फाइव लाख रुपीज़ या फिर नाइन्टी या नाइन्टी फाइव तक भी आपको देखने को मिल जाएगा जो अच्छे लोकेशन का प्लॉट होगा अनरजिस्टर्ड वहीं अगर बात करूँ डेवलपमेंट के तो अथॉरिटी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर अच्छी तरीके से किया जा रहा है और ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर करा दिया है ग्रीन बेल्ट और दे, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीविर लाइन ये डीमार्केशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए तो जिन लोगों के यहाँ पॉकेट वन ए के अंदर आपकी प्रॉपर्टी या प्लॉट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना भी लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ आज की डेट का जिसमें आप देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट यहाँ पे करंट में हुआ है क्योंकि यार मैं अपने वीडियो में वही चीज़ कवर करता हूँ जो एक्चुअल में डेवलपमेंट वहाँ पे मौके पे चल रहा होता है एंड दोस्तों सामने आप देख सकते हैं ये अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे जो एरिया ये यहाँ पे फैसिलिटी के द्वारा के लिए छः का वो है जो कि यहाँ पे छोड़ दिया गया है आगे भविष्य में यहाँ पे कम कॉमर्शियल स्पेस के यूजेस के लिए तो वहीं अगर बात करूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में और एन का सबसे हॉट एरिया यहाँ पर सेक्टर अठारह और बीस के अंदर हो गया है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि यहाँ पर जो सेलर थे जिस जब रेट कम थे तब वो सेल करना चाहते थे तब किसी ने खरीदा नहीं लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई तो सेलर की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है जो लास्ट सिक्स मंथ पहले पचास लाख का प्लॉट था वही आज कम से कम नब्बे लाख रुपये अस्सी लाख रुपये पचासी लाख रुपये तक अनरजस्टर्ड की कीमत रह गई की है तो वहीं अगर बात करो सेलर की यहाँ पर डिमांड जो वो काफ़ी बढ़ गई है और कुछ इस वजह से भी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकल जितने भी डीलर यहाँ पर यमुना अथॉरिटी में वर्क करते हैं वो भी अलग अलग पार्टी के अलग अलग ऑफर दिए जा रहे हैं इस वजह से भी क्लाइंट जो वो को सेलर जो वो कंफ्यूज है कि आखिर किसके पास सही डील है और किसको हम अपना प्लॉट दें तो यार वहीं बात करो अगर आप सेल करना चाहते हैं रियली में तो आप सही सही पर्सन को चूज़ करके आप अच्छे तरीके आप से आप उससे डील कर सकते हैं अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को कोई एक करोड़ पंद्रह लाख बता रहा है कोई एक करोड़ बीस लाख बता रहा है तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ भी रेट नहीं है लेकिन वहीं अगर बात करूँ एक करोड़ के आसपास तक जो जेनवन रेट है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है बाकी अथॉरिटी के द्वारा जितना भी डेवलपमेंट है वो सारा इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लॉट की डीमार्केशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर कर दिया गया है तो अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दो नंबर पर कॉन्टैक्ट करें बहुत बहुत धन्यवाद